गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 अध्याय भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के पाठ है प्रश्न उत्तर। दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जब हम दूध में दही डालते हैं तो वो किस में, दही में परिवर्तित हो जाता है। तो जिसमें इसमें क्या है कि दही से पुनः दूध नहीं बनाया जा सकता, कि एक बार जो दही जम जाता है उसे पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ही जो उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, दूध का स्वाद होता है फीका और दही का स्वाद होता है खट्टा। तो इससे क्या, हमें एक नया उत्पाद दही प्राप्त होता है और इसके स्वाद में भी परिवर्तन होता है। तो ये क्या है, दूध से दही का बनना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी को काटना और लकड़ी को जलाना दो अलग प्रकार के परिवर्तन है। लकड़ी को काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से, परिवर्तन कर देने से उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण होते हैं जिसमें उसके आकार, आमाप, अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। तो लकड़ी को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तन कर देने से उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, अर्थात उनका आकार क्या है, बड़ी लकड़ी से छोटी लकड़ी यानी छोटे टुकड़ों में हो जाता है। लेकिन गुण क्या होते हैं, लकड़ी वाले होते हैं, बड़ी वाली लकड़ी और छोटी गुण सेम रहते हैं, बस क्या है उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है। परंतु उन टुकड़ों में अभी भी लकड़ी के मूल गुण ही होते हैं। इससे इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन करते हैं, जिसमें अब इसमें किस में परिवर्तन हुआ है, उसके आकार में परिवर्तन हुआ है। तो जब आकार में इनमें परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उसी प्रकार जब लकड़ी के टुकड़ों को हम जलाते हैं तो जलाने पर क्या बनती है, राख बनती है। राख बनती है, एक नया उत्पाद हमें प्राप्त होता है और साथ में कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने पढ़ा था जो रासायनिक परिवर्तन होता है उनमें क्या है, नया उत्पाद हमें प्राप्त होता है या गैस बनती है। तो राख बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे हम पुनः लकड़ी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इसलिए इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जिसमें हमें नया उत्पाद प्राप्त होता है। अब आज आपको क्या करना है, दोनों जो क्वेश्चन आंसर है इनको अपने साइंस की फाइल में नोट करना है। धन्यवाद।